बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, आज हमें करना पड़ा बड़ी परेशानी का सामना। आज भाई कोटद्वार मालिक की सभी बैंकिंग ब्रांचें जो थी एटीएम की बंद थी, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। अगर एक एटीएम खुला भी था तो वहां पर भी क्या हुआ, आप मियाँ उस्मान की ज़ुबानी सुन लें। हाँ जी मियाँ उस्मान, क्या हुआ है? कोई बात है, क्या हुआ है? हमने इतना वेट किया, अब वो कह रहे हैं कैश खत्म हो चुका। कैश खत्म हो गया है जी व्यूअर्स। आज हम आए थे एटीएम पर और सारे एटीएम इधर बंद थे, एक ही खुला हुआ था। तो इधर आए हैं, दोनों ने भी भाई लॉक कर दिया है कि बैलेंस ख़त्म हो गया है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही है, अब हम इधर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, 5-10 मिनट इंतज़ार करते हैं, नहीं तो फिर चले जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, हमें कैश तो मिला ना, फिर हम न्यू पाकिस्तान मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए, क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने थे। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा मेडिकल स्टोर है ये, और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं, और मैंने इन्हें बताया कि मुझे इंसुलिन इंजेक्शन चाहिए, और मियाँ उस्मान की तबीयत भी नहीं ठीक, पेट ख़राब था, तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन ली। तो फिर हम मेडिसिन लेकर स्टोर से निकले, और इन भाई साहब ने भी हमें पूछा कि आप हमारी वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं एक क्रिएटिव हूँ, तो उस वजह से मैं कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ, तो मैंने आपकी भी वीडियो बना ली है। तो माशाल्लाह जी, वो काफ़ी खुश हुए कि अच्छा काम है। तो भाई, यहाँ से हम रवाना हुए, बाहर निकले, और आज जैसा कि जुम्मा मुबारक है, तो हमारे यहाँ यहाँ पर जुम्मा बाज़ार लगते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ सब्ज़ियाँ भी ख़रीद ली, और माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सब्ज़ियों के स्टॉल लगे हुए थे, और माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी और म्यारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। रेट में तो इतनी कमी नहीं होती, दुकानों की नस्बत कोई 5-10 रुपए ही कम मिलते हैं, लेकिन ये है कि तमाम चीज़ें फ़्रेश ताज़ी मिल जाती हैं, और काफ़ी रश होता है जुम्मे वाले दिन हमारे बाज़ार में। और माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं, फ्रूट और सब्ज़ियों के स्टॉल हैं, और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ों के स्टॉल लगे होते हैं। तो भाई, हमें भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने भी ली और शॉपिंग करते गए। और यहाँ पर, यहाँ बच्चों की भी, स्कूल की चीज़ें भी लगी हुई थी, पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह भी, तो वो भी हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन, और उम्मीद है कि भाई आपको भी हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।